हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलम और आप सभी का नीलम जायका में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मावा नरसा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेसिपी है जो आपके लिए काम आ सकता है। मावा अनरसा हमारे बिहार की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, और ख़ासकर बारिश के मौसम में मार्केट में भी बहुत मिलते हैं और घर में भी इसे बनाकर खाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इंस्टेंट मावा अनरसा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लेंगे मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे 1.5 कप चावल का आटा। आप इससे ज़्यादा कभी एक साथ बना सकते हैं। 1 चम्मच ऐड करेंगे सफ़ेद तिल और 1 चम्मच डालेंगे घी। घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर मैंने लिया है 8 चम्मच। आप ये शुगर पाउडर घर में भी बना सकते हैं चीनी को मिक्सर में पीसकर। और इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप भी इस तरह से अच्छी तरह से मिला लें ताकि जो हमने घी डाला है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। डो जैसे हम लोग पूरी के लिए बनाते हैं उसी तरह से हमें डो बनाना है। और पानी को एक साथ न डालें, थोड़े थोड़े पानी को डालते जाएं और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएं। वैसे तो अनरसा बनाने के लिए चावल को भिगोकर रखना पड़ता है और फिर इसे पाउडर बनाते हैं और फिर अनरसा बनाया जाता है। लेकिन उस तरह से जो अनरसा बनाने का प्रोसेस है बहुत ही लंबा चौड़ा है और उसमें टाइम बहुत जाता है। लेकिन आप इस तरह से मावा अनरसा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से हमने गूंध लिया है। और इस तरह के आटा हमें चाहिए अनरसा बनाने के लिए। और इस आटे को ढककर हम रख देंगे 20 मिनट के लिए ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से फूलकर सेट हो जाए। ऐसा करने से जो हमारे अनरसे बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे। जब तक ये फूलकर सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम मावा। मावा भी मैंने घर पे बनाया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर आकर इसे देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर हम 1 चम्मच शुगर पाउडर को ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। इससे जो टेस्ट है मावा का और भी बढ़ जाएगा। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 2 चम्मच और शुगर पाउडर डाल सकते हैं। और इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग भी रेडी है और आटा भी फूलकर सेट हो गया है। तो चलिए फटाफट से अनरसा बनाते हैं। तो थोड़े से हम आटे को अच्छी तरह से गूंध लेंगे ताकि थोड़े आटे और सॉफ्ट हो जाए। आप जितने बड़े अनरसे के साइज रखना चाहते हैं उतने ही बड़े डो लें। और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए हम बॉल बनाएंगे पहले और फिर इसमें कटोरी का शेप देना है। तो इस तरह से उंगलियों से घुमाते जाएं और फिर हम इसमें स्टफिंग करेंगे। जिस तरह से हम आलू के पराठे या किसी चीज़ के पराठे को स्टफिंग करते हैं ठीक उसी तरह से हमें इसे भी स्टफिंग करना है। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे ब्लॉक करना है, बंद करना है, ताकि जब हम तेल में फ्राई करें तो जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। तो इसलिए इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें बंद करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे बंद कर दिए हैं। और यहाँ पर हम लेंगे सफ़ेद तिल और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से लगा देंगे और इसे उंगलियों से प्रेस करते जाए ताकि जो तिल है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो यहाँ पर एक अनरसे की स्टफिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे डो तैयार कर लेते हैं ताकि जो अनरसे का साइज हो एक बराबर हो और फिर हम उसी तरह से स्टफिंग करेंगे। तो चलिए एक और बनाकर मैं दिखाती हूँ। और फिर उसी तरह से हम इसमें कटोरी का शेप देंगे और फिर स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे अनरसे की भी स्टफिंग कर ली है। तो इसी तरह हम सारे अनरसे को स्टफिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे अनरसे रेडी हो गए हैं फ्राई के लिए। तो चलिए फटाफट से हम तेल में फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसे गर्म होने देंगे।
तो थोड़ी सी डो को हम डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म है या नहीं। तो तेल थोड़े अभी कम गर्म है, तो थोड़ी देर हम इसे गर्म होने देते हैं। और तेल अभी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इसमें हम एक एक करके अनरसे को डाल देंगे। और इसे ज़्यादा भर कर ना डालें, थोड़ा स्पेस भी छोड़ें ताकि जो अनरसे हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो सके। और अनरसे को फ्राई करते समय खास ध्यान दें कि गैस का फ्लेम जो है उसे मीडियम टू हाई रखें, इसे लो फ्लेम पर कभी भी फ्राई ना करें। और तेल को भी पहले अच्छी तरह से गर्म होने दें। अगर आपके तेल कम गर्म हो और आप अनरसे को डाल देते हैं तो जो आपके अनरसे हैं बहुत ही हार्ड बनेंगे, तो इसलिए तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें। और आप देख सकते हैं एक तरफ से गोल्डन हो गया है थोड़े, तो इसे हम पलट देते हैं ताकि जो दूसरी तरफ है अच्छी तरह से फ्राई हो सके। हमारे घर के लोगों के लिए जो अनरसे हैं बहुत ही स्पेशल मिठाई है, सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन मैं अभी जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मार्केट में मिलते ही नहीं हैं, तो इसीलिए इस तरीके से हम घर में बनाते रहते हैं। और आप देख सकते हैं जो अनरसे हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं, तो इसका मतलब है जो अनरसे हैं बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं। और एक बैच का जो अनरसे हैं वो रेडी हो गए हैं, तो इसी तरह हम दूसरे बैच के लिए भी इसे डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। और ठीक उसी प्रोसेस से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। गैस का जो फ्लेम है मीडियम टू हाई रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनरसे हैं बहुत ही डिलीशियस दिख रहे हैं और इसमें जो हमने मावा की स्टफिंग की है उससे टेस्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और दूसरे बैच के भी अनरसे रेडी हो गए हैं, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और गैस का जो फ्लेम है उसे हम बंद कर देंगे। तो मावा अनरसा आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए, तो चलिए फटाफट से सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंस्टेंट मावा अनरसा बिल्कुल तैयार है और मैंने इसे बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही सुपर डिलीशियस होता है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके अनरसे अच्छे बने या नहीं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए और हेल्दी रेसिपी के साथ। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।